छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ विखंड के ग्राम पंचायत चिंदो के सरपंच लालचंद पटेल के द्वारा ग्रामीणों के हक पर डाका डालकर उनके साथ धोखाधड़ी किया है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों व कुछ पंचों ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पुलिस के अलावा वन मंडल अधिकारी जिला पंचायत राजनाथ गांव एवं पुलिस थाना डोंगरगढ़ को भी किए हैं। ग्राम छिदो में सरपंच लालचंद पटेल के द्वारा शासन के द्वारा मिलने वाली निस्तारी बांस आंबटित हुआ था, जिसको सरपंच के द्वारा फर्जी साइन करके किसी दूसरे को बिक्री कर दिया गया। जबकि जब भी बांस शासन के द्वारा निस्तारी के दिया जाता है तो गांव में मुनियादी कराया जाता, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर जब ग्रामीणों ने वन विभाग डोंगरगढ़ जाके पता किया, पता चला कि फर्जी साइन करके बांस निकाल चुका है। इस संबंध में सरपंच के द्वारा कुछ भी कहने से इंकार कर दिया। इधर अब शिकायतकर्ताओं ने अपने शिकायती पत्र में कहा है कि अगर समय रहते सरपंच व अन्य दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीण चक्का जाम करके धरना देंगे। बिक्री कर दिया किसी के पास, अभी तक के गांव वाले भाइयों को किसी को जानकारी नहीं है। इसी तहत में हम लोग बांस अभी तक के क्यों नहीं मिला है, ऐसे क्योंकि हमने सरपंच से जानकारी लिया तो अभी तक के हमारी ग्राम सिद्धों के लिए निकासी बांस नहीं आया है।